एक दुश्मन रह गया है, उनको भी हटाना है। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमने लूट मार का बाजार गर्म करके हमारे प्यारे नबी का नाम लेकर ये हरकतें कर रहे हैं, कहने वाली बात नहीं है मगर बदनाम करके रख दिया। और मैं आपको बता रहा था कि मेरा गुस्सा किस लेवल पे है। मुझे पता है क्योंकि सस्तों को सुनने को पाकिस्तान में तैयार नहीं है, और भी अल्लाह का शुक्र है लोग कुछ कह रहे हैं, अगर ज़्यादातर लोग इतनी खुल के बात नहीं करते क्योंकि बेचारे बहुत सारे मुसलमान भी भाग चुके हैं पाकिस्तान छोड़ के। अब मैं तो खुद कुछ पर मारूँ, मुझे क्या डराया कोई। तो मैं खड़ा था संसद बुलेवार्ड पर, मेरी एक स्टूडेंट आई, बड़ी अच्छी मेरी स्टूडेंट थी, उसके अपने वाले से कोई लड़ाई हुई थी, तो मुझे कह रही, मुझे फ़ोन किया उसने कि सर वो मुझे ना आप किराए पर कमरा दिला दें। तो मैंने कहा उसको कि बेटा अच्छा मुझे पता है आपकी लड़ाई भी होती है ना, फिर तो आदमी किसी को समझाने का कोई समझाने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने कहा बेटा ये आपके एक काम करते हैं, मैं आता हूँ। तो मैंने कहा आप किधर के अखबार सनसेट बुलेवार्ड के अंदर रहते थे। मैंने कहा नुक्कड़ पे आता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा कि अच्छा वो खड़ी थी वहाँ, तो मैंने कहा बेटा आप एक काम करो, मेरी गाड़ी लो, आप जाओ अबू के पास, अबू से माफ़ी मांगो कि गलती हुई, और फिर मेरे पास वापस आ दो, फिर आपको कमरा चाहिए होगा ना, फिर भी चाहिए होगा तो मैं आपको दिला दूँ, क्योंकि आप लड़कियों को कमरा नहीं देता ना। तो मैं सोचा किसी से कह के यार दिलवा दो, कहने सर पाएगा, मैं कहा ठीक है माफ़ी मांगो, मुझे पता था, और अगर फिर भी होता तो फिर तो मैंने जबान दे दी थी, तो दिलाते ही उसको। तो कहने अच्छा ठीक है, वो चली गई। अच्छा अब मैं सनसेट बुलेवार्ड पे खड़ा हूँ बिल्कुल कोने के अंदर, तो मैं अपनी सोच में यही बकवास सोच रहा हूँ, बकवास सोचे सोच रहा था, तो मुझे कड़कड़ की आवाज आई। मैंने देखा तो रिवॉल्वर ही आके गिरे लड़का। अच्छा तो मुझे कहने लगा कि नॉर्मली मैं ये बात नहीं बताता हूँ किसी को, क्योंकि वो समझेंगे बकवास कर रहा, झूठ बोल रहा है, तो फायदा क्या झूठा बनने से। तो मैंने कहा कि चलिए देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं अब तो अपने सोच में कि पता नहीं क्या करेंगे, बटवा निकाल मोबाइल निकाल। अच्छा मैं अभी तो मैंने इसी वजह से सफर किया, मैं खर्च करना नहीं चाहता था, अभी इस वक्त मेरे पास नेक्सस 5X है, मगर उस वक्त तो मेरे पास सस्ता था फ़ोन था, क्योंकि उससे मैंने गलत भी गलती भी मैंने की, मुझे चाहिए था स्मार्टफोन आए तो इमीडिएटली खरीदो, मैं सोच रहा था पैसे ज़ाया नहीं करूँ, तो मैंने इसलिए मुझे खरीदना चाहिए था क्योंकि इससे बिजनेस एक्सपेंस है। तो खैर उस वक्त मेरे पास एक सस्ता ऐसे फ़ोन था, और मेरे जेब में कोई 1000-2000 रुपये होंगे, तो पैसे की तो बात थी नहीं। मोबाइल भी मैं बदलने की सोच ही रहा था, मैं दे भी देता उसको, मेरे पास नोकिया का था पुराना सा। तो मगर जैसे अभी मुझे रोना आ रहा था, तो मुझे इतना ऐसे मैं रोना नहीं है कि गुस्सा है, क्योंकि मैं रोने पर बिलीव ही नहीं रखता। मेरे वालिद भी इंतकाल हुआ था, तो मेरे 2 आंसू निकले थे, क्योंकि मेरे वालिद भी कभी नहीं, हम लोग मर्द लोग हैं, हमें फेस करना चाहिए जो भी सूरत हाल है, रहमत है सद्दाम हुसैन की रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं, तो मैं पलटा तो उसने ना मुझे यहाँ रख दिया। मैंने कहा मसला एक है, दूंगा तो नहीं मैं। मैंने कहा वैसे है भी कोई खास नहीं, मगर हो भी तो नहीं दूंगा। तो उसको कुछ समझ भी नहीं आई, मतलब यार गन रखी हुई है। अच्छा मैंने छीनने की भी कोशिश नहीं की, मैंने कहा मैं वैसे भी तुम लोगों ने ना कराची को रहने की जगह छोड़ा नहीं। अच्छा मैं दिल से कह रहा था, तो उस वक्त तो सच्चाई का वक्त था, तो झूठ तो क्या बोलता, मैं ये नहीं कह रहा मैं झूठ नहीं बोलता, मगर उस वक्त बोलने का इतना प्रेशर में दम नहीं था मेरे में। तो मैंने कहा यार तुम लोगों ने कराची को तबाह कर दिया, अब रहने की कौन सी जगह रह गई है। तो मैंने कहा यार फायदा ही हो जाएगा मेरा कुछ चलाओ। मैंने कहा पहले ही तंग मेरे दिल से निकल गई थी। चलो मुझे देखता रहा, इतनी देर में ना उसका दोस्त आ गया,
हमेशा टू में होते हैं ना मोटरसाइकिल. अब नॉर्मली मैं चलता हूँ ना तो हमेशा देख रहा होता हूँ मोटरसाइकिल पे लेफ्ट राइट पे, कोई मोटरसाइकिल पे दो तो नहीं आ रहा. तो दो दूसरा वो था जो भी कहते हैं उसको इनकी टर्म्स में, तो उसने कहा क्या चक्कर है यार देर क्यों लगा रहा है. कह रहा यार ये कोई अपने से बड़ा पागल है. तो मैंने ना उसको प्यार से ना उसके कंधे पे हाथ रखा. मैंने कहा अभी भी चांस है. मैंने कहा हमने अपने, अच्छा ये मैं ऐड कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे कहने का दम नहीं था, अब 2300 में पाकिस्तान की बात तो छोड़े हूं. सिर्फ कहते ना बहुजे माविया में कराची की क्या कह दो खातियाँ सुन रही, सिर्फ दूसरों की खा रहा. मैं छुरी लूँ अपनी नाक काट के फेंक दूँ कि रेहान भाई से खार आ रही है मुझे, रेहान भाई काट दो तो कोई लॉजिक बनती है. रेहान भाई की खार में मैं अपनी नाक काट के हमने कराची की. उसको तो मैंने सिर्फ ये मैंने कहा यार तुम लोगों ने कराची की, आप लोग जो समझ रहे हैं कराची वाले, मुझे पता है 30% में तो ये बात समझ में आई ही नहीं. मैं तो 60% 70% को टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने तासुब में अंधे हो चुके हैं. जिनसे तासुब आपने दुश्मनी की उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको क्या है, बल्कि सारी इंडस्ट्री उठ के पंजाब चली गई जिनसे कारबाजी में हमने सब कुछ किया. ये खैर